हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपके लुक्स के बारे में क्या सोचते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि किसी का आप पे क्रश है और ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए है, कुछ भी खुल के क्या नहीं रहा, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इन्हें आपके बारे में फिजिकली क्या अट्रैक्ट करता होगा और क्या नहीं, एंड इवन इफ अगर आप एक रिलेशनशिप में है और ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रहा या आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहा, एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर। Five of Skulls, Two of Knives, Prince of Knives, Queen of Grails, Five of Scepters. Okay. Cancer, इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। ओके, आपकी आंखें लगता है जैसे कि उन्हें अपनी तरफ खींचती है एक मैग्नेट की तरह। आपकी आंखों में कोई ऐसी बात है जैसे ये पर्सन डिकोड नहीं कर पा रहा, तो आपसे कहे भी तो क्या कहे, तारीफ में कहे भी तो क्या कहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बट आपकी ही आंखें इतनी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई क्यों हैं, आपकी ही आंखें इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक क्यों हैं, आपके ही देखने का अंदाज उन्हें इतना अच्छा क्यों लगता है। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आई मेकअप करना पसंद करते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि जब आप अपने आई मेकअप को करते हैं तो फिर उनका ध्यान और कहीं जा नहीं सकता। वो बिल्कुल आप पे फिक्सेटेड हो जाते हैं, इतने फिक्सेटेड कि सिर्फ आपकी ही आवाज़ सुनते हैं, सिर्फ आपको ही देखते हैं और बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। इनफैक्ट ये पर्सन आपको देखकर इतना ज़्यादा गुम हो जाता है कि बाद में भी उसके बारे में ये काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, और शायद आजकल इनका फोकस दूसरी चीज़ों पे है भी नहीं। ऑल्सो फाइव ऑफ स्कल्स है, तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत डेलिकेट है, बहुत वल्नरेबल है, नॉट लाइक आप वीक हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे डेलिकेट और वल्नरेबल होने का मतलब है कि आपको अपने सॉफ्ट साइड को शो करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, आप अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और आपके जैसा पर्सन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, आप वही बोलते हैं जो आप सोचते हैं, और आप जब भी उनसे प्यार जताते हैं तो उन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दुनिया में कोई और है नहीं, आपसे ज़्यादा लविंग और केयरिंग दुनिया में कोई है नहीं। इस पर्सन को पसंद है आपका अपर बॉडी पार्ट। आई थिंक समहाउ इस पर्सन को लगता है कि आप परफेक्शन है। मे बी आपका वेस्ट इन्हें बहुत पसंद है, या आपका जो बैक है, जब भी आप कोई ऐसी ड्रेस पहनते हैं जो कि बैक रिवीलिंग हो या फिर वेस्ट रिवीलिंग हो, इस पर्सन को वो बहुत अट्रैक्ट करता है। इवन व्हेन जब आप बॉडी हगिंग क्लोथ्स पहनते हैं या कुछ ऐसा पहनते हैं जो आपके फिगर को डिफाइन करे, तो ये पर्सन सोचता है कि आपने ये फिगर कैसे अचीव किया, क्या ये नेचुरल है या आप किसी डाइट पे हैं। आपकी वेस्ट, आपकी बॉडी जिस तरीके से शेप रहने लगता है कि इस पे काफ़ी वर्क किया गया है, इवन इफ ये अगर जेनेटिक हो तो भी। सो ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव रहता है ओके आपसे, और आई थिंक ये आपके हेयर भी बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली जिस तरीके से ये आपके फेस को फ्रेम करते हैं, जिस तरीके से आपके बाल आपके चेहरे पर आते हैं, वो चीज़ इन्हें बहुत स्वीट लगती है, और आपका हेयर स्टाइल इन्हें आपके लिए परफेक्ट लगता है। ये पर्सन उन लोगों में से है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहेगा। बहुत विजुअल पर्सन हो सकता है ये, बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं ये, ब्यूटी एडमायर करने वाले लोगों में से है। मे बी कोई टॉरस हो सकता है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी अर्थ साइन हो सकता है या कोई भी साइन हो सकता है, बिकॉज इन द एंड तो ये एक जनरल रीडिंग ही है। बट ये जो कोई भी है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एडमायर करना चाहता है, बट देन खुद को समझाता है कि आप किसी को ऐसे स्टेयर नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है।
आप ऐसे किसी को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, आपको बाउंड्रीज को फॉलो करना चाहिए, आपको अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए. आपको देख कर ही पता चलेगा कि ये पर्सन इतना ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है फिजिकली, ये पर्सन बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा हो सकता है, इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है अपने फीलिंग्स को छुपाने की या खुद को कंट्रोल कर लेने की, और वही ये कर रहे हैं. ऑल्सो प्रिंस ऑफ नॉइस के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप जब भी कुछ फ्लोरल पहनते हैं या कुछ ऐसा पहनते हैं जो कि लाइट शेड का हो, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. ओके, मतलब आप पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है. फाइव ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत फियर्स हो सकते हैं, बहुत वाइल्ड भी हो सकते हैं, बट आप यूजुअली इन क्वालिटीज को किसी को शो नहीं करते बिकॉज आप किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहते. और ये पर्सन देख सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है. आप जानते हैं कि आप कौन है और उससे कम पर आप सेटल नहीं करने वाले. ऑल्सो इस पर्सन को नजर आता है क्वीन ऑफ ग्रेल्स की परफेक्शन, जिसे कि वो चाहकर भी शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते. यहाँ पे जो कुछ भी है देखने के लिए, सब कुछ ब्यूटीफुल है इस पर्सन के शब्दों में. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर. सिक्स ऑफ स्कल्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ नाइव्स, लॉर्ड ऑफ स्कल्स एंड सिक्स ऑफ ग्रेल्स. ओके, सो फाइव ऑफ नाइव्स का कार्ड है. इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और अगर वो आपको ज़्यादा हिंट्स देंगे तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि उनके मन में क्या है और वो फिजिकली आपसे कितना अट्रैक्टेड है. फाइव ऑफ नाइव्स के यहाँ होने का मतलब है कि अभी ये अपने आप को आपसे अनरिलेटेबल मान रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है जब बात आती है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की. ये पर्सन फिलहाल आपको ये नहीं शो करना चाहता कि वो क्रेजी हो चुके हैं आपको देखकर एंड आपका लुक सुन के लिए सब कुछ है. ये पर्सन इस बात को ऑब्वियस नहीं करना चाहता. ऑल्सो ये भी नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि ये लस्ट वाली फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ लस्ट वाली फीलिंग्स भी हैं. फाइव ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो क्लियरली ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी चाहता है. ऑल्सो सिक्स ऑफ रेल्स का कार्ड है तो ये पर्सन मिस करता है, जैसा लगता है कि आप उनसे मिलके जाते हैं और फिर से ही आपको मिस करना शुरू कर देते हैं कि अगली बार अब आप कब उनसे मिलेंगे, कब उन्हें आपको देखने को मिलेगा सामने से. तो ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ. ऑल्सो सिक्स ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है अपने अपीयरेंस में. आपके हेयर जिस तरीके से फॉल करते हैं, आपकी बॉडी, जो भी आपका फ्रेम है, वो आपको एक सॉफ्ट एंड सरल सा लुक देता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है इस पर्सन के लिए. इनोसेंस आपके चेहरे पे नजर आता है और द हर्मिट के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो हमेशा से उनके मन के अंदर था, जैसे कि एक आइडिया कि उनका पार्टनर ऐसा दिखना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और अब आप सामने आ गए उनके, जैसे यूनिवर्स ने उनकी कोई मन मांगी विश पूरी कर दी हो. तो लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप हाई मेंटेनेंस भी हैं, शायद आप खुद पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं. ये आपके क्लोथ्स नोटिस करते हैं, आपकी एक्सेसरीज नोटिस करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं अपने ऊपर. इवन इफ आप नहीं भी कर रहे तो भी आपका जो लुक्स है, जो अपीयरेंस है, इस पर्सन को ऐसा लगता है देख के कि आप खुद पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि आपका अपीयरेंस बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैंसर. मेंटाकन,
longing for home, belonging, the original light workers. तो उस पर्सन को लगता है कि आप दोनों डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे का होम हैं, आप दोनों एक दूसरे को बिलोंग करती हैं और किसी पर्पज से ही एक दूसरे से मिले हैं। तो ये पर्सन इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें जो फील होता है वो उसे रोक नहीं सकते। तो यह रीडिंग इस बारे में कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लुक्स के प्रति। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.